कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, कोई पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, कहते हैं कि अगर मन में जज्बा है तो संभावनाओं के आसमान असीमित हैं। और इसी जज्बे की, जोश की और अपने हुनर की वानगी प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे देश के असंख्य लोग। जी हाँ, ऐसे ही असंख्य लोगों के हौसले और जज्बे की कहानियों को देश भर से समेट कर हम लेकर आते हैं आपके लिए अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए। नमस्कार, मैं हूँ शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। ये ज़रूरी नहीं कि उजाला सिर्फ चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी होते हैं कई घर रोशन। और इस रोशनी की चमक में चार चांद और लग जाते हैं जब शिक्षक के रूप में हमारी गृहणियाँ होती हैं। तो चलिए, आपको लेकर चलते हैं ऐसी ही एक पाठशाला में, आपको लेकर चलते हैं संध्याशाला में, जहाँ खुले आसमान के नीचे सपने देखे जा रहे हैं और सपनों को उड़ान देने की कोशिश कर रही हैं हमारी गृहणियाँ। साबरमती नदी के किनारे बरगद के पेड़ की छाया में शिक्षा मंदिर बनी है ये संध्याशाला। खिलखिलाते चेहरों और नन्हे कदमों के साथ जिंदगी को जीने चले हैं हम। किताबों से दोस्ती कर नाचते गाते जिंदगी को जीने चले हैं हम। कहते हैं कि घर की रचनाकार गृहिणी किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती। मैनेजमेंट से लेकर प्लानिंग तक और पैसों से लेकर पढ़ाई तक का ध्यान रखती ये हाउसवाइफ्स एक बेहतर शिक्षक हैं, जिसका उदाहरण है ये संध्याशाला। यहाँ साबरमती रिवर फ्रंट पर बस्तियों में रहने वाले गरीब बच्चों की चहेती शिक्षक बनी है ये गृहिणियाँ। घर की सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर अपना वक्त निकाल इन मासूम बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का काम कर रही हैं। संध्याशाला से शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ। हमने जब से स्टार्ट किया है, इसको हो गए 8-9 साल, तब से हम जुड़ी हुई हूँ। और ये यहाँ पे आने का मेरा मकसद यही है कि इन बच्चों को हम कुछ सिखा सके, क्योंकि मेरे हिसाब से पढ़ाई एक ऐसा जरिया है जिससे बच्चे आगे आ सकते हैं। बच्चे आगे आते तो वो सिर्फ अकेले ही नहीं आते, उनकी पूरी फैमिली आगे आती है, उनकी पूरी कम्युनिटी आगे आती है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोरे गए। मैं बड़ी होके पुलिस बनूंगी। इन मासूम आंखों में पलते सपनों को उड़ान देकर किताबी शिक्षा को रोचक तरीकों और प्यार से पढ़ाती ये गृहिणियाँ, इनकी शिक्षक के साथ साथ इनकी दोस्त भी हैं। और इसी वजह से स्कूल में 7 घंटे पढ़ने के बाद भी इन बच्चों को यहाँ आना पसंद है। अच्छा लगता है पढ़ना। ठीक है, क्या क्या पढ़ते हो, क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे कैसा मजा आती है, क्या क्या करते हैं? गुजराती पढ़ने में मजा आती है, डांस ड्राइंग, फिर खेलते भी है, वो सब में मजा आती है। इधर बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं। यहाँ की पेंसिल, लब्बर, संचा सब मिलता है, बुक मिलती है, सब कुछ मिलता है हमारे को यहाँ पर। रंग, जाति, धर्म, सभी भेदों को भुलाकर केवल शिक्षा के रंग में डूबकर ये बच्चे पढ़ लिख कर अपने माँ बाप के वो हर सपने पूरा करना चाहते हैं जिसका ख्वाब कभी उन्होंने देखा था। और इसीलिए ये संध्याशाला आर्थिक रूप से कमजोर इन परिजनों की चिंता का हल बनी है। ये तो बस शुरुआत है, यहाँ से आगे निकल कर अभी तो कई मुकाम हासिल करने हैं। बच्चियाँ पढ़ने में भी पहले से ज़्यादा अच्छी हैं। मुझे भी संतोष मिलता है कि इतना ट्यूशन पढ़ा के नहीं करा पाते जितना बच्चे हमारे अच्छे यहाँ पढ़ रहे हैं। हमको भी बहुत अच्छा लगता है और आगे ज़रूर कुछ बनने में शायद मदद मिले, क्योंकि हर रूप से बच्चे आगे जा रहे हैं। हमारा सपना है, हम लोग तो, मैं तो पढ़े ली नहीं हूँ, मेरा बच्चा आगे जाए, बहुत बहुत पढ़ाई करे, आगे जाए। यहाँ पर अच्छा पढ़ाते हैं, ध्यान भी अच्छा देते हैं। हम लोग जॉब पर जाते हैं तो टीचर यहाँ पर 5-6 घंटे उनका ध्यान रखते हैं, पढ़ाते हैं, हमको कोई टेंशन नहीं होता। हम लोग जॉब करके आते हैं तो भी हमको राहत मिलती है कि यहाँ पे हमारा बच्चा सुरक्षा है, अच्छा पढ़ता है, लिखता है, हमको कोई टेंशन नहीं होती है। अमीरी गरीबी की दीवार को लांघकर आगे बढ़ती शिक्षा जीवन में ऐसे बदलाव लाती है जो सफलता की ओर आगे कदम बढ़ाते हैं। आत्मविश्वास और सेवा के भाव से की गई इन गृहिणियों की ये पहल
शिक्षा से इन बच्चों के जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाने का काम करेगी। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अहमदाबाद से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखिए आपने अनूठी पाठशाला संध्याशाला, और संध्याशाला के बाद अब आपको लेकर चलेंगे डिजिटल पाठशाला में। जी हाँ, डिजिटल पाठशाला उन बच्चों के लिए है जो कल तक कूड़ा बीनते थे या फिर किसी के आगे हाथ फैलाते थे भीख मांगने के लिए। अब इनके हाथ उठते हैं भीख मांगने के लिए नहीं, बल्कि कॉपी पर पेंसिल से शब्द उकेरने के लिए। और ये सब संभव हुआ है स्माइल प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल पाठशाला में। तो कैसी है ये डिजिटल पाठशाला और कैसे मुफ्त प्रदान कर रही है ये ज्ञान का भंडार, आइए देखते हैं। जोशो खरोश के साथ ताली बजाकर किसी को बर्थडे विश कर रहे इन नन्हे मासूमों के हाथ कुछ दिन पहले तक लोगों के सामने भीख मांगने के लिए उठते थे, लेकिन आज सरकार और एक निजी संस्था ने इनके अंदर आत्मसम्मान और शिक्षा का जोश भर दिया है। अब ये बच्चे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, अब इनके हाथ उठते हैं तो कॉपियों पर शब्द उकेरने के लिए। ये चमत्कार हुआ है लखनऊ में चल रहे स्माइल प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल पाठशाला से। इस पाठशाला में उन बच्चों को लाकर पढ़ाया जा रहा है जो रास्तों पर मजबूरी में या फिर आदतन भीख मांगकर या फिर गुब्बारे बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इस प्रोजेक्ट के तहत ऐसे बच्चों को चिन्हित किया गया और फिर लगाई गई डिजिटल पाठशाला। इस पाठशाला में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन के संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पाठशाला में बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी है, जिससे परिवार के लोग भी काफी खुश हैं। इन बच्चों को हाथ थामा जिसको कहते हैं, जैसे लोग जब बच्चे भिक्षा मांग रहे थे तो लोग उनको दुत्कारते थे, लताड़ते थे, उनको डांट देते थे, डपट देते थे, तो हम लोगों ने उनका हाथ थामा तो और उनको ये दिखाया कि नहीं, समाज में ऐसे लोग भी हैं जो आपके साथ आपको आगे ले चलने के लिए तैयार हैं। तो इन बच्चों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ, उनके माता पिता के अंदर विश्वास पैदा हुआ। हम लोगों को पेपर के नीचे पढ़ाती थी तो सब लोग देख देख के कहते थे ये लोग तो पढ़ने लगे, जब मिशनार खुला खुला तो उन लोग समझने के यहाँ कुछ अलग होने जा रहा है। जब हम लोग घूमने वहाँ क्या नाम दूर दूर घूमने जाते थे तो सब लोग कहते वाह इन लोग कहाँ कहाँ बस से जाते हैं, इन लोग को बस लेने आती है। और हम गवर्नर हाउस गए थे तो सब लोग कहने लगे कि अगर दोबारा हम लोग कहा जाए तो हम लोग को भी लेके चलना। हम लोग पहले बैलून बबल बेचते थे, अब हम लोग पढ़ाई करते हैं। जब से हमारे लोग मैम लोग आए हैं, हम लोग तो पहले रोडों पर भीख मांगते थे तो बहुत लोग डांटते जाइए कोई काम वाम करिए पढ़िए लिखिए, हम लोग को बहुत लोग कुछ बहुत बोलते थे हम लोग को। अब हम उससे पढ़ाई करने लगे, हम लोग का तो अपना नाम भी नहीं लिखना आता था, हम लोग को तो अपना नाम भी मम्मी पापा का नाम छोटा बड़ा ये भी सीजन को सब आने लगा है। बच्चे वापस भीख मांगने को मजबूर ना हो इसके लिए उनके परिवार के लोगों को भी विभिन्न स्कीम के तहत मदद की जा रही है। हमारे बच्चे को बहुत सम्मान मिल रहा है, कितना अच्छा, हमारे सब बच्चे पढ़ गए हैं और सब जानते हैं, हमारे बच्चे सब चीज़ जानने लगे हैं, पहले कुछ भी नहीं आता था, अब तो बहुत कुछ हमारे बच्चे को आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बच्चों को सब पढ़ना लिखना आते हैं। हम तो कहते बहुत अच्छा जो हमारे ये मेम सब लोग आके हमारे लोग के मदद किए हैं, हम उनके लिए बहुत शुक्रिया करते हैं कि हमारे सारे बच्चे कुछ तो भी पढ़ जाएंगे। 10 महिलाओं का ग्रुप भी बना है हमारे लोग के यहाँ पे, और सर हम लोग हर महीने अपना वो जो पेमेंट होता है वो 100-100 रुपये वो भी ठेका करके बैंक में भी डलवा देते हैं प्रिया मैम के साथ में जाके। मगर हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जब से यहाँ पढ़ने लिखने लगे हैं बच्चे, हम भी लोग पेरेंट्स भी हम भी लोग पढ़ने जाते हैं सर, ऐसी बात नहीं। क्लास में आप किसी दिन आइए देखिए, सारे पेरेंट्स पढ़ने जाते हैं अपने अपने बच्चों को लेके। शुरुआत ये भले ही छोटी हो लेकिन बच्चों को शिक्षा के साथ पूरा सम्मान दिला रही है, जिससे बच्चों में उत्साह भी है और शिक्षा को लेकर नई ऊर्जा भी। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए लखनऊ से परवेज जैदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि शिक्षा दान है महादान, क्योंकि शिक्षा के जरिए आप बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं, एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं, और कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार कुछ और अच्छी खबरों का सफर जारी रहेगा, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का।
लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी, एनपीएस जरूरी है। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी मसाले। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल ना जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। दो बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? एक महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींच कर अपलोड करें। बन गया, अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कहते हैं कि बाइक चलाते वक्त सड़क हो या हाईवे या फिर नेशनल हाईवे, हेलमेट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी जान को बचाने के लिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे देखे जाते हैं जो कि बिना हेलमेट के फर्राटे से बाइक दौड़ाते हुए नज़र आते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन तो अपना काम करता ही है। एक और शख्स है जो कि फ्री में हेलमेट बांटता है और लोगों को सीख देता है कि वो हेलमेट लगाएं अपनी जान को और दूसरों की जान को बचाने के लिए। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की सड़कों पर बिना हेलमेट वाले मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहनाकर अपने अनूठे अंदाज में हेलमेट के प्रति लोगों को जागरूक करते ये हैं बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले राघवेंद्र कुमार सिंह। हेलमेट मैन और हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर राघवेंद्र सिंह पिछले काफी लंबे वक्त से रोड सेफ्टी को लेकर काम कर रहे हैं। राघवेंद्र सिंह उन लोगों को फ्री में हेलमेट देते हैं जो सड़क या हाईवे पर बिना हेलमेट लगाए चलते दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, राघवेंद्र ऐसे लोगों को भी हेलमेट देते हैं जिनका हाल ही में चालान कटा हो। चालान जमा की रसीद दिखाने पर ही वो लोगों को हेलमेट देते हैं। जाते हैं बाहर तो हेलमेट पहनना जरूरी है, क्योंकि अगर हेलमेट ना पहनने से ना एक्सीडेंट का हम सम्मुखन हो सकते हैं। हाँ, अच्छा फील हो रहा है कि आप हमारे लिए अच्छे सोचे, इसीलिए हमको आज मतलब आप लोगों ने हेलमेट दिए कि हम मतलब इतना दूर आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। अब अगर हमारा एक्सीडेंट होता तो हमारे पापा मम्मी का ही लॉस होता ना, वो हमको इतना पढ़ा रहे हैं हमको फ्यूचर दिखाने के लिए। राघवेंद्र सिंह बताते हैं कि साल 2014 में जब अपने जिगरी दोस्त को एक बाइक हादसे में खो दिया था, इस हादसे का उनके ऊपर इतना असर पड़ा कि वो चाहते हैं कि अन्य लोगों के साथ इस प्रकार का कोई हादसा ना हो। राघवेंद्र बताते हैं कि इस हादसे के बाद उन्होंने प्रण लिया कि हेलमेट के ना होने की वजह से किसी और माँ की गोद सूनी ना हो। आज से 9 साल पहले हमने अपने मित्र को जो खोया था और उसके एवज में मैंने उसी दिन से प्रण लिया था कि भारत के हर नागरिक को मुझे अपना मित्र बनाना है और उसी लिए सड़कों पर हेलमेट लेकर के उतरा हूँ। और आज जो यहाँ पर लोगों को दे रहा था जब हेलमेट, तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। वो तो शास्त्रोक्त मतलब सड़कों पर लेट करके मुझे प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे सर हमने आपके बारे में सुना है देखा है, लेकिन मेरी गलतियों को आप पकड़ेंगे और आप खुद ही आकर के हेलमेट दे रहे हैं, ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात है।
सिर्फ इतना ही नहीं, राघवेंद्र सिंह जरूरतमंद व्यक्तियों का 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी करवाते हैं, जिसके एवज में वो मात्र 1,000 रुपए लेते हैं। राघवेंद्र की माने तो वो कई हजार लोगों को फ्री में हेलमेट बांट चुके हैं। वो हर शहर में जाकर 10 दिन बिताते हैं और उन 10 दिनों में जरूरतमंदों को हेलमेट बांटते हैं। 36 वर्षीय राघवेंद्र सिंह सड़क सुरक्षा के लिए 1 दशक से अधिक समय से अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं। वो अपनी जेब से खर्च करके बिना हेलमेट सवारों को उनकी जान बचाने के लिए हेलमेट प्रदान कर रहे हैं और माना जा रहा है कि अब तक 56,000 से अधिक हेलमेट बांट चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको लेकर चलेंगे पुणे की यरवदा जेल में, जहां पर कैदियों के हौसले, हुनर और जज्बे को देखकर आप भी उनके कायल हो जाएंगे। जी हां, यहां पर एक ओपन कैंटीन की शुरुआत की गई है ताकि कैदियों को समाज की मुख्यधारा से एक बार फिर से जोड़ा जा सके। ये वो कैदी हैं जो जाने अनजाने अपराध कारित कर बैठे हैं, लेकिन अब बदलना चाहते हैं, समाज में कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे में प्रशासन ने भी उनकी मदद करने की सोची और देखिए शुरुआत हो गई इस ओपन कैंटीन की। रोजमर्रा की जिंदगी में कई लोगों को तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये स्थितियां अक्सर संघर्ष और गलतफहमियों को जन्म देती हैं। अनजाने में इंसान अपराध करते हैं और उन्हें एक नई शुरुआत की आवश्यकता महसूस होती है। ये उन्हें पुनर्वास या दूसरी तरह की शिक्षा की ओर ले जाते हैं। भले ही वे अपराधी हों, फिर भी वे समाज का हिस्सा हैं। इसलिए इन अपराधियों को खुली जेल में प्रवेश की अनुमति देकर उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश जरूरी है। कैदियांना अपन पुनर्वसन करण्याचे प्रयत्नशील आहेत, त्यांना स्किल अपग्रेडेशन करायचे आहे। दोघांचे रिक्वायरमेंट घेऊन इथे आपण एक कॅन्टीन सुरू केलेलं आहे। त्याच्यामध्ये सगळे ओपन प्रिझनचे कैदे आहेत, त्यांना आपण काम दिलेलं आहे। कॅन्टीन में ऑर्डर लेते हैं, खाना परोसते हैं और काउंटर का हिसाब किताब ये लोग रखते हैं। ये नज़ारा है यरवदा जेल परिसर का, और यहाँ कुशल कारीगरों की तरह काम करते ये सभी कैदी हैं। दरअसल आसपास कई आईआईटी कंपनियों की मौजूदगी को देखते हुए जेल प्रशासन ने इस पहल की शुरुआत की तो कैदियों ने इसे खुले दिल से स्वीकार भी किया, और देखिए ग्राहक इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। ये कैंटीन अब तमाम तरह की चीजें मुहैया करती है। विभिन्न महाराष्ट्रीयन उत्पादों के निर्माण के साथ ये कैंटीन लोगों की पहली पसंद बन गई है। इस पहल से न केवल कैदियों का मनोबल बढ़ रहा है, बल्कि यहाँ आने वाले ग्राहकों को भी खुशी मिलती है। मैं जेल में काफ़ी टाइम से मैं निकाला हूँ। यहाँ यरोड़ा खुले कारागृह में आने के बाद काफ़ी परिवर्तन मुझे लगा, और उनके बाद हमारे अधिकारी लोगों ने ये जो नया खोला हुआ उपाग्रह द शुक्ला उपाग्रह, वहाँ आने के बाद बहुत चेंजिंग आई मुझे। मैंने देखा यहाँ खाना वगैरह बनाने की हमें ट्रेनिंग दी गई, तो उसके बाद मुझे यहाँ आने के बाद 2-4 दिन के बाद ऐसा लगा कि बाबा हम जब बाहर छूटेंगे तो कुछ अपना कर पाएंगे या अपने परिवार को हम अच्छे से रख पाएंगे। यहाँ से जो सीखने को मुझे मिला उसके लिए मैं प्रशासन का, अधिकारी का और यहाँ के मेजर और सूबेदार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी ऐसा लग रहा है कि मैं जेल में नहीं हूँ, बाहर की दुनिया में हूँ। और पहले से बाहर रहते टाइम मैं होटल चलाता था, खुद की कैटरर्स था, इंडियन पंजाबी चाइनीज़ वगैरह सब आइटम बनाता था। और इधर ये चांस मिला तो ऐसा खुद की काम खुद को मिल गया, इसलिए बहुत खुश हूँ और आगे जाके बाहर जाके फिर से होटल लाइन करूँगा। फिनोलेक्स कंपनी के CSR फंड के माध्यम से कैंटीन में डीप फ्रीजर, गैस स्टोव, CCTV जैसी ज़रूरत की वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है, बल्कि यरवड़ा प्रशासन को आर्थिक रूप से मदद भी मिलती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए महाराष्ट्र से रोहन गावली और रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, क्योंकि सपनों के आगे आसमान और भी हैं, और इन्हीं आसमानों को जीतने का जज्बा रखते हैं ये कैदी भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी अच्छी खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले।
मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन, हमारा संकल्प विकसित भारत। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। अनेक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी, एनपीएस जरूरी है। समय पर एडवांस टैक्स भरना है जरूरी, क्योंकि इससे होती है विकसित भारत के निर्माण की जरूरत पूरी। विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर भारतीय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका एडवांस टैक्स देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आता है। तो फिर अपने एडवांस टैक्स की जिम्मेदारी समय पर पूरी करें। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 75% टोटल पेएबल एडवांस टैक्स का भुगतान 15 दिसंबर 2023 तक किया जाना चाहिए। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्यक्रम सफल तब होता है जब उसमें जनभागीदारी होती है। आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ही कार्यक्रम में। एक महिला स्वावलंबन केंद्र है जिसे महिलाएं चलाती हैं। जी हाँ, बोकारो स्टील स्थित ये महिला स्वावलंबन केंद्र महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है, महिलाओं को सशक्त बना रहा है और महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, स्वावलंबी बनी हैं और कई लोगों के घर परिवार चलाने में भी सहायक सिद्ध हो रही हैं। कैसे हो रहा है, चलिए देखते हैं। महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन के क्षेत्र में बोकारो स्टील स्थित स्वावलंबन केंद्र द्वारा अनुकरणीय कार्य किया जा रहा है। महिला समिति के द्वारा संचालित स्वावलंबन केंद्र में विधवा, असहाय बुजुर्ग और गरीब महिलाओं का कौशल विकास किया जाता है, साथ ही साथ उन्हें काम भी दिया जाता है। महिला समिति के अध्यक्ष अनीता तिवारी ने बताया कि यहाँ काम करने के बाद पिछले 40 वर्षों में हजारों जरूरतमंद महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लायक बनी हैं। हमारा एक स्वावलंबन केंद्र है जहां ग्लव्स हमारा बनता है, स्टिचिंग का भी काम हम यहां देते हैं, कराते हैं। ट्रेनिंग के बाद इनको रोजगार भी मिला है, लेकिन यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद ये लोग अपना काम बाहर भी करते हैं। पिछले कई सालों से बोकारो स्टील प्लांट में कर्मचारियों के लिए दस्ताने और बोकारो जनरल अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एप्रॉन और कॉटन की आपूर्ति भी इस महिला समिति के द्वारा ही की जा रही है। दस्ताना बनाने का काम कर रही नर्मदा देवी ने बताया, ये यहाँ 1990 से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उपलब्ध कराए गए राशन के अलावा उन्हें केवल महिला समिति से ही सहायता मिल रही थी। सबसे ज्यादा फायदा मिला हम लोग को जब लॉकडाउन हुआ, कोई चारा नहीं था, एक महिला समिति था जो थोड़ा बहुत पैसा जाता था, तो किसी तरह उधर मोदी दे रहे थे, इधर ही दिए, तो हम लोग किसी तरह गुजारा किए। वहीं चिंतामणि देवी ने बताया कि बस दुर्घटना में उनके पति विकलांग हो गए, अचानक उनके सामने 3 छोटे बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी आ गई। यहीं पर उन्होंने काम भी सीखा और रोजगार भी मिला, जिससे उनकी परेशानी खत्म हुई। इस स्वावलंबन केंद्र में काम कर रही हैं, सभी की अपनी अपनी कहानी है,
लेकिन दुख की घड़ी में महिला समिति ने उनका हाथ थामा। जितना लोग गरीब आदमी है मैडम लोग हम लोग के लिए कहां कहां से ऑर्डर लाती है ताकि हम लोग को रोजी रोटी चले और अच्छा से काम करे, दो पैसा मिले, बाल बच्चा को घर परिवार इसी से चलता है सर। निश्चित रूप से महिला समिति के द्वारा संचालित इस स्वावलंबन केंद्र से जुड़कर हजारों जरूरतमंद महिलाओं को जीने का एक नया मकसद मिला है, जो आधी आबादी को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बोकारो से मनोज विशाल के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये बहुत ही सार्थक प्रयास है। कहते हैं कि कोई भी चीज पूर्णतः बेकार नहीं होती है। कोई चीज किसी के लिए कचरा हो सकती है, कबाड़ हो सकती है, लेकिन वही चीज किसी दूसरे के लिए सार्थक और उपयोगी साबित हो सकती है। कुछ ऐसा ही उपयोगी कार्य करके दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी के कुछ छात्र, जिन्होंने खाली पड़ी सिरिंज से जेसीबी का मॉडल तैयार किया है और वो दिखा रहे हैं कि ये जेसीबी क्या कुछ कर सकती है। तो आप देखिए इन दृश्यों को और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल।